हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में फरीदाबाद लोकसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। यहां पर उन्होंने तिगांव विधानसभा में पहुंचकर बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जीत का दम भरा। साथ ही सीएम ने इस दौरान महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों को भी गिनवाया। महिलाओं को आज नारी शक्ति वंदन बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर और 33% का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये पहली बार है कि हमारी सरकार ने भाइयों महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो हमारी बहनें हैं उनको सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है और आने वाले समय के अंदर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि जो हम ये सुविधाएं दे रहे थे ये सुविधाएं तो जारी रहेंगी परंतु इनकी गति को और तेज करने का काम, बहनों तक, किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर करेगी। भाइयों, हम देखते थे कि 2014 से पहले इस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर थी, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर भारत दुनिया के अंदर 5वें स्थान के ऊपर ला करके खड़ा करने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों,